हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो हम लोगों ने कहा था, कल हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ केसेस देख लिए, ठीक है। सेक्शन 22, 23, 24, 25, ठीक है। चलो अब जरा पीछे आ जाओ, जो सेक्शन छूटे हुए हैं उनको देख ले हैं। देखो हम लोगों ने 1 से 6 तक देख लिया था, 7 जो है प्रोविंसियल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट, 7 और 8 नहीं देखने हैं, ठीक है। बस ये याद रखिएगा किसमें क्या दिया हुआ। 7 में दिया है प्रोविंसियल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट एक्ट, प्रोविंसियल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट, और 8 में दिया प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉस्ट कोर्ट, ठीक है। इनके लिए सेपरेट एक्ट आ गए, तो फिर इनका जो है इसमें इतना महत्व नहीं है, ठीक। तो इसमें आपको पढ़ना भी नहीं है। तो 7 और 8 जो है बस ये याद रखिएगा किसमें है। सबसे पहले प्रोविंसियल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट दिया हुआ है, और 8 में प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। 9 हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं 10 और 11, रेस सब्जुडाइस और रेस जुडिकेटा। एविडेंस देख रहे हैं आप लोग कि नहीं देख रहे हैं। एविडेंस एक्ट भी खत्म होने वाला होगा, ठीक है, सही से देखिए। सीपीसी है, सीआरपीसी लिख गया। सोच रहा हूँ सीआरपीसी का एक डाउट सेशन एक रखूं, ठीक है, 1-2। एक में तो पूरे नहीं डाउट क्लियर हो पाएंगे, कि सोच रहा हूँ कि 2-3 लाइव सेशन रखूं, ठीक है, जिसमें जो है सीआरपीसी के जितने भी आपके डाउट हैं। सीआरपीसी का काफी लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, लगभग 70-80 हज़ार व्यूज हो गए हैं उसमें। आप लोग का इतना सारा प्यार मिल रहा है उस पर। तो जो डाउट है, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर ये डाउट है, वो डाउट है, व्हाट्सएप पे यार कैसे यार टाइप वाइप करके इतने डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ देखूंगा टाइम निकाल के। चलिए सीपीसी में क्या है, 2 चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला तो रेस जुडिकेटा, दूसरा रेस सब्जुडाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कुछ सीपीसी में इंपॉर्टेंट है तो यही है, समझेगी नहीं। ऐसा कोई पेपर नहीं मेंस का, तो ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें इसमें से दोनों में से कोई एक आए ना, जरूर पूछा जाता है। चाहे आप और कॉलेज में भी हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो और समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो रेस जुडिकेटा और रेस सब्जुडाइस क्या होता है, क्या होता है अभी जान लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए ए और बी के बीच में इस मकान को लेके केस है, ठीक है। तो अगर एक बार कोई केस एक ने किया है, ठीक है, अब मान लो इन दोनों में किसी एक के फेवर में आ गया, ए ने केस किया बी के फेवर में, प्लेंटिफ के फेवर में आ गया। अब बी क्या चाहता है, मान लो ये जो मकान जो है वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जिसमें 2-2 कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन आती है, ठीक है, कानपुर और इलाहाबाद प्रयागराज। कानपुर और प्रयागराज, ठीक है, 2-2 कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन। मान लो कि कोई एक ऐसा मकान है या प्लॉट है या खेत है या घर है, कुछ भी है, जिसमें 2-2 कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन आती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता था, जल्दी बताइए कमेंट करके। सेक्शन 17, ठीक है। अब इसमें सेक्शन 17 के हिसाब से दोनों ही कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है, चाहे कानपुर कोर्ट चाहे प्रयागराज कोर्ट, किसी एक केस में, किसी एक कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं, ठीक। अब मान लो कि कानपुर कोर्ट में कर दिया, अब कानपुर कोर्ट ने करने पे ए के फेवर में आ गया। अब क्या हो रहा है, अब बी चाह रहा है कि क्यों ना मैं फिर से क्या केस फाइल कर दूं, क्योंकि प्रयागराज कोर्ट में भी आ रहा है तो हम इसमें केस फाइल कर दें, ठीक है। तो क्या ऐसा वो कर सकता है, एक बार कोई एक डिस्प्यूट जो है, ठीक है, कोई एक डिस्प्यूट किसी एक कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड कर दिया गया है। कंपिटेंट कोर्ट है कि नहीं है कानपुर कोर्ट, बिल्कुल कंपिटेंट कोर्ट है, उसके ज्यूरिडिक्शन में आ रहा है। तो एक बार कोई भी कंपिटेंट कोर्ट द्वारा कोई डिस्प्यूट डिसाइड कर दिया गया है, तो क्या पार्टी फर्दर उसके लिए केस कर सकती है कि ठीक है सिविल केस है 20 साल चलेगा, एक बार और केस फाइल कर दो कहीं और, चलता रहेगा जब तक हम रह रहे हैं उसमें, है कि नहीं। तो क्या ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। रेस जुडिकेटा एक बार अगर कोई केस डिसाइड हो चुका है तो उसको दोबारा केस फाइल करने से रोकता है, ठीक, इतनी सी बात है।
अगर एक लाइन में बोलें कि रेस जुडिकेटा क्या है, रेस जुडिकेटा जो है पार्टीज को अगर एक बार केस डिसाइड हो चुका है कंपिटेंट कोर्ट द्वारा तो उसे दोबारा फाइलिंग करने से रोकता है। सिंपल सी बात है। देखो बस कुछ चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे कि अब मान लो ए और बी के बीच में केस है, ठीक है, इसमें ए जीत गया, ठीक, तो क्या होगा, तो फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल है, क्या सेम पार्टीज के बीच में केस हो रहा है, ठीक है, या इनके रिप्रेजेंटेटिव, अभी सब समझा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा, सेम सब्जेक्ट मैटर पे केस फाइल कर रहे हैं, पहले भी घर के मैटर था, अब भी घर का ही है, ठीक है। तीसरा, जो मैटर इन इशू है वो भी सेम है, एक ही बात है, ठीक है, सेम सब्जेक्ट मैटर, मैटर इशू, एक ही बात है, ठीक है। मैटर इसमें क्या है कि सेम का मतलब डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम हो, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, ठीक। तीसरा, कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड हो। चौथा क्या पॉइंट है, चौथा ये है कि सेम टाइटल में, पहले भी जिस टाइटल को लेके केस हो रहा था, मान लो इसकी ऑनरशिप को लेके हो रहा था, अब भी वही बात है कि फिर से आप यही क्लेम कर रहे हैं कि मैं इसका ऑनर हूं, ठीक। पांचवा, जो प्रीवियस डिस्प्यूट है उसे कोर्ट ने सॉल्व कर दिया, ठीक, सॉल्व कर दिया, ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या हो रहा है कि ये केस हुआ था, ठीक है, ए और बी के बीच में इस मकान को लेके केस था, भाई ए के फेवर में आ गया, बी क्या चाहता है, दूसरी कोर्ट में केस फाइल करना चाहता है, तो यही रेस जुडिकेटा इसको रोकता है, सेक्शन 11 कब रोकेगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी, कैसी, कि सेम पार्टीज, पहले भी ए और बी के बीच में केस था, अब भी और ए और बी कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो पहले ए और बी के बीच में केस था, अब एक इंडिपेंडेंट पार्टी सी वो केस करना चाहती है के ऊपर, तो क्या कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक। लेकिन मान लो पहले ए और बी के बीच में केस था, अब ए का सन करना चाहता है, ए सन केस फाइल करना चाहता है, तो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि चाहे सेम पार्टीज हो चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, नहीं केस फाइल कर पाएंगे। दूसरा, सेम सब्जेक्ट मैटर, पहले भी डिस्प्यूट यही घर था, आज भी यही घर है, ठीक है, इसी को लेके फिर से केस फाइल करना चाहते हैं, नहीं हो सकता। तीसरी बात, कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड होनी चाहिए। अब मान लो अब ये घर दो कोर्ट के जुडिक्शन में आ रहा था, कानपुर प्रयागराज, तो सेक्शन 17 के हिसाब से दोनों ही कंपिटेंट हैं, अगर कानपुर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो प्रयागराज में केस फाइल नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो कंपिटेंट कोर्ट थी नहीं, अब मान लो उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, ये पूरा मकान प्रयागराज कोर्ट में आ रहा था, लेकिन डिसाइड किसने कर दिया, कानपुर कोर्ट ने, तो वो कंपिटेंट कोर्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके पास जुडिक्शन ही नहीं थी, तो आपने कैसे केस वहां पर हो गया डिसाइड, ठीक है, तो कंपिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड होना चाहिए, सेम टाइटल के अंडर, कि पहले भी आप इस मकान की ऑनरशिप क्लेम कर रहे थे, अब भी आप ऑनरशिप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, और जो तुम्हारी ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट था वो कोर्ट ने प्रीवियस सूट में, जो पहले सूट फाइल हुई थी ए और बी के बीच में, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, ठीक। अगर ऐसा सब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो दूसरा केस फाइल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी रेस जुडिकेटा जो है वो उसको रोकता है, ठीक, इतनी सी बात है। रेस सब्जुडाइज क्या होता है, रेस सब्जुडाइज होता है कि मान लो कि अब इसी केस में रेस सब्जुडाइज क्या होता है, रेस सब्जुडाइज होता है मान लो दो कोर्ट हैं, ठीक, दोनों पर जुडिक्शन है, अब ए ने कानपुर कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक, अब वो कानपुर कोर्ट में केस चल रहा है, अब क्या हुआ, बी ने क्या किया, अब वो प्रयागराज कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक, तो क्या होगा, ए जो है ये डिफेंस ले लेगा रेस सब्जुडाइज का। रेस सब्जुडाइज क्या बोलता है कि अगर कोई भी केस ऑलरेडी किसी कंपिटेंट कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है, फिर अगर कोई किसी और कोर्ट में अगर उसे वही केस को इंस्टीट्यूट कर देता है, फाइल कर देता है, तो उसे अगर जैसे ही दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करेगी कि माय लॉर्ड ये तो केस ऑलरेडी कानपुर कोर्ट में चल रहा है, तो फिर जो नई केस जहां पे जिस नए कोर्ट में केस फाइल हुआ है वो कोर्ट उसका ट्रायल वहीं पर रोक देगी, ठीक।
समझाएंगे नहीं, तो दोनों क्या है ये प्ली ऑफ डिफेंस है, ठीक है, दोनों ही डिफेंस लिए जाते हैं। अपोजिट पार्टी तो डिफेंस लेगी। अब मान लो रेस जुडिकेटा वाले केस में क्या हो रहा था कि किसी एक के फेवर में जजमेंट आ गया और दूसरे के फेवर में नहीं आया, तो फिर जिसके फेवर नहीं आया वही तो केस फाइल करेगा, और जब वो केस फाइल करेगा तो जिसके फेवर में डिफेंस आया है वो तुरंत कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा कि माय लॉर्ड इस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये कंप्लेंट कोर्ट द्वारा केस डिसाइडेड है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, प्ली ऑफ डिफेंस हो गया, और जो डिफेंस ले रहा है डिफेंडेंट ही तो ले रहा होगा, उसी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई हो रहा है कि नहीं, वही तो प्रूफ करेगा। जिस चीज का तुम डिफेंस ले रहे हो तुम्ही तो प्रूफ करोगे कि हाँ ये चीज अप्लाई हो रही है, ये डिफेंस तुम ले सकते हो, है कि नहीं। चलो, और रेस जुडिकेटा रेस सब्जुडाइज में अंतर क्या है, रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है जब केस डिसाइडेड हो चुका हो, रेस सब्जुडाइज तब अप्लाई होता है जब केस चल रहा हो, है कि नहीं। ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अप्लाई होता है, ये आफ्टर द जजमेंट जब डिग्री या जजमेंट पास हो जाए उसके बाद अप्लाई होता है, ठीक है। अब मान लो कि कोई रेस कोई ऑलरेडी इन दोनों के बीच में केस चल रहा है कानपुर कोर्ट में, क्योंकि कानपुर कोर्ट कंपिटेंट है, लेकिन बी क्या चाहता है वो प्रयागराज कोर्ट में केस फाइल कर दिया उसने, तो ए तुरंत ही कोर्ट से कहेगा प्रयागराज कोर्ट से कि माय लॉर्ड क्योंकि कानपुर कोर्ट कंपिटेंट है उसके पास ऑलरेडी केस चल रहा है, तो फिर इसको जो है इस पे रेस सब्जुडाइज अप्लाई हो रहा है, इसको यहीं पर रोक दिया जाए, और कोर्ट उसे रोक देगी। जैसे ही वो रुक जाएगा उसके बाद में जब जजमेंट आ जाएगा तो इसी के ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, रेस जुडिकेटा, है कि नहीं। पहले ट्रायल रुकेगा कैसे, क्योंकि रेस सब्जुडाइज अप्लाई हो रहा है सेक्शन 10 कि ऑलरेडी कहीं केस चल रहा है तो आप क्यों दोबारा चला रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस एक ही तरीके के, बहुत सारे केसेस एक ही डिस्प्यूट दो दो तीन तीन कोर्ट में क्यों रेस किया जा रहा है कि नहीं। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकने के लिए रेस सब्जुडाइज है कि नहीं। अब दूसरी बात यह है कि जैसे ही पहले तो वो ट्रायल इसलिए रुक जाएगा क्योंकि रेस सब्जुडाइज अप्लाई हो रहा है, और जैसे ही जजमेंट आ जाएगा तो जजमेंट होने के बाद तुरंत ही ऑटोमेटिक रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक बार कोई केस अगर किसी कंप्लेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड कर दिया गया है तो आप दोबारा उसे किसी कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। चलो, हम उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अब यह सेक्शन 11 में दिया हुआ है और यह सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कोई ऐसा मेंस पेपर नहीं होता होगा जिसमें इन दोनों में से कोई ना कोई आपको लिखने को ना मिले, ठीक है, और प्री में भी खूब धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। चलो, तो पहले हम लोग रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं। रेस जुडिकेटा समझ में आ जाएगा तो रेस सब्जुडाइज आराम से समझ में आ जाएगा। लिखवा दें क्या करूं, लिखवाने में टाइम लगेगा, लिख लो यार, एक आंसर भी हो जाएगा तुम्हारे लिए। लिख पाओगे तुम, तो लिख लोगे, मैं बोल पाऊंगा ये इंपॉर्टेंट है। चलो लिखो, पहले इंट्रोडक्शन डालो, हम लोग बात कर रहे हैं रेस जुडिकेटा की, ठीक है, इंट्रोडक्शन डालिए, ये सब बताएं। रेस जुडिकेटा समझ में आ गया तो रेस सब्जुडाइज तो कुछ है ही नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा आपके, बस अब लिखो। अब चलो, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, लिखिए इंट्रोडक्शन हेडिंग डालिए, सेक्शन 11, द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, पहले लिखा द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, उसके बाद में लिखिएगा रेस मीन्स थिंग्स एंड जुडिकेटा मीन्स एडजुडिकेटेड, या डिसाइडेड, ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा, ब्रैकेट में रेस इंप्लाइज थिंग्स जुडिकेटा मीन्स decides or adjudicated is a fundamental doctrine based on the principle of conclusiveness of the judgment and finality of litigation. The doctrine of res judicata, res implies thing, judicata means decided or adjudicated,
इज ए फंडामेंटल डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ द जजमेंट एंड फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन। एक लाइन है, कॉमा लगा के लिखिएगा, वन सूट एंड वन लिटिगेशन, इनफ फॉर सिंगल डिस्प्यूट। ठीक है ना, डिसीजन वन सूट एंड वन डिसीजन इज इनफ फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट। ठीक, ये किसने बोला था? ये मैकनॉटन साहब ने बोला था। ठीक है, ये लिख दीजिएगा इसी के आगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आंसर आपका ये बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं उनके आंसर बहुत अच्छे लिखने होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सभी स्टूडेंट, आप ही नहीं, सभी को ये मालूम है कि रेस जुडिकेटा और रेस सब्जुडाइज बहुत पूछा जाता है, तो सभी लोग अपना पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, तो जो जो आंसर्स पहले से प्रिपेयर करके रखे जाते हैं वो अपने बेस्ट रखे जाते हैं। ठीक है, कि वो अगर लिखने को मिल जाए तो अगर 10 नंबर का है तो उसमें 8 नंबर आपको मिल जाए। चलो, इतना लिख लिया द डॉक्ट्राइन्स। अगला इसी में मतलब पॉइंट करके लिख लिया था। ठीक है, और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता रहे, पैराग्राफ ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, कोई भी आंसर लिखो उसके पैराग्राफ ज्यादा लंबे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई पन्ना आपने स्टार्ट किया यहां से लिखना और यहां सीधे खत्म हो रहा है, उसको ब्रेक कर करके लिखा करें। ठीक, 4-5 लाइन से ज्यादा का कोई भी पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा लिखोगे कोई पढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखो कि तुरंत अट्रैक्टिव हो, समझे कि नहीं, तुरंत ही समझ में आए कि आप इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं, इस पैराग्राफ में क्या कहना चाहते हैं, समझे। द डॉक्ट्राइन ऑपरेट्स एज ए बार टू द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, द डॉक्ट्राइन ऑपरेट्स एज ए बार टू द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंट सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन द सेम पार्टीज, इट इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी एज वेल एज प्राइवेट जस्टिस। ठीक है, अब लिखिए अगली लाइन, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिश लिटियम लिटियम इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिश लिटियम। ठीक है, इसका इट मीन्स इट इज टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इट मीन्स इट इज टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट डेट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्री में पूछा जाता है कि रेस जुडिकेटा कौन सी मैक्सिम पे बेस्ड है, तो इस मैक्सिम पे बेस्ड है, तो और भी मैक्सिम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इंटरेस्ट रिपब्लिक उट सेट फिनिश लिटियम, इट इज टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट डेट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। एक केस है दारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही प्री के क्वेश्चन है। ठीक, ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं कि दारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा केस जो है रेस जुडिकेटा का है, तो दारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या दारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किस से रिलेटेड केस है, तो आपको रेस जुडिकेटा मालूम होना चाहिए। कुछ नहीं बोला गया था, इसमें ही बोला गया था रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, रेस जुडिकेटा इज बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अगले पैराग्राफ से लिखिए, रूल ऑफ रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, रूल ऑफ रेस जुडिकेटा वुड अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग वेदर सिविल और अदरवाइज, इट इक्वली अप्लाइज टू ऑल क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स, it has always been accepted as a plea of defense, the onus of proof that particular issue raised in a subsequent suit is res judicata is always upon the defendant who takes the plea। अगर ना समझ में आया करे कि क्या बोल गए तो बैक कर लिया करें। ठीक है, बार बार रिपीट करने से टाइम ज्यादा लगेगा। अब एजेंसियल्स डालिए, अगली हेडिंग हमारी रहेगी एजेंसियल्स। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा, या तो एजेंसियल डाल दीजिए या
ये हेडिंग डाली है कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा। पहला, वैसे अगर याद करने के लिए तो आपको मालूम ही है, सेम पार्टीज, सेम सब्जेक्ट मैटर, कंपटेंट कोर्ट, सेम टाइटल और द इशू प्रीवियसली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ये याद करने के लिए है। ठीक है, ऐसे ही मुझे याद रहती हैं। और आप जो है उसे लिखी कैसे जाएंगे, लिखिए द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। पहली कंडीशन क्या है, द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी द सेम विच वॉज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन द फॉर्मर सूट। The matter must be directly and substantially in issue in the subsequent suit must be the same which was directly and substantially in issue in the former suit. दूसरा, the prior suit must have been between the same parties or person claiming under them. वही same parties. The prior suit must have been between the same parties or person claiming under them. तीसरा, such parties must have litigated under the same title in the former suit. चौथा, ये same title वाली बात हो गई तीसरी। चौथा, द कोर्ट विच डिटरमाइन द अर्लियर सूट मस्ट बी कंपिटेंट टू ट्राई द लेटर सूट। पांचवा, द क्वेश्चन डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट शुड हैव बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इन द अर्लियर सूट। बस ये पांच इसके एसेंशियल्स हो गए। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं, कितने, आठ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी प्री के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आठों आपको याद करने पड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन वन में क्या है, एक्सप्लेनेशन वन में फॉर्मर सूट की बात की गई है, इसके आठ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन वन बात करता है किसकी, फॉर्मर सूट की, फॉर्मर सूट कौन सी मानी जाएगी। फॉर्मर सूट वो मानी जाएगी, जैसे मान लो ए और बी के बीच में केस था, एक केस फाइल हुआ था 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, दूसरा एक केस फाइल हुआ 1 दिसंबर 2016, ठीक है, मान लो इस दो केस फाइल कर दिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगली पार्टी ने वो रेस सब्जुडाइज का डिफेंस नहीं लिया। वैसे तो दो केस फाइल नहीं होने चाहिए थे, क्यों, रेस सब्जुडाइज अप्लाई हो जाता, लेकिन कोर्ट को थोड़े पता है, अगर मान लो पार्टी बोली नहीं रही है, पार्टी ने रेस सब्जुडाइज की बात ही नहीं की, उसका डिफेंस लिया ही नहीं, तो कोर्ट को क्या पता चल रहा कि एक ये एक जगह केस और चल रहा है। ठीक है, कोर्ट को नहीं मालूम था, तो इसमें ये बताया गया है, एक केस फाइल हुआ 1 जनवरी 2016 को, एक फाइल हुआ 1 दिसंबर 2016 को, जो ये वाला केस फाइल हुआ इसका जजमेंट आ गया, कब आया, इसका जजमेंट आया मान कोई भी डेट लो 1 मार्च 2017, ठीक है, लेकिन इसका जजमेंट आ गया 1 फरवरी 2017, तो बताओ इसमें से फॉर्मर सूट कौन सी मानी जाएगी। इसका जजमेंट कब आया, मार्च में 2017 में, इसका जजमेंट कब आया, फरवरी 2017 में, जबकि ये केस फाइल हुआ था जनवरी में इससे पहले और ये बाद में हुआ था, तो फॉर्मर सूट कौन सी मानी जाएगी इसमें, तो यही ये बात बोलता है एक्सप्लेनेशन वन, ये बताता है कि फॉर्मर सूट कौन सी मानी जाएगी। फॉर्मर सूट वो मानी जाएगी जिसका जजमेंट पहले आया, ठीक है, ना कि जो फाइल पहले हुई है। फाइलिंग से हमें कोई मतलब नहीं है कि केस कब फाइल हुआ, हमें मतलब इससे है कि जजमेंट किसका पहले आया, जिसका जजमेंट पहले आ गया वही फॉर्मर सूट मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन टू बात करता है कंपिटेंट कोर्ट कि भैया जिस कोर्ट ने पहली सूट जो पहला जो केस जो डिसाइड किया जिस कोर्ट ने, वो कंपिटेंट कोर्ट होनी चाहिए, समझे कि नहीं। अगर वो कंपिटेंट कोर्ट नहीं है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। मान लो उसके बाद जुरिडिक्शन ही नहीं था, जुरिडिक्शन नहीं था फिर भी उसने डिसाइड कर दिया, तो क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, नहीं होगा, क्योंकि वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन इज कि द फॉर्मर सूट मस्ट बी डिसाइडेड बाय ए कंपिटेंट कोर्ट। ठीक है, तीसरा मैटर इन इशू, ये दूसरा एक्सप्लेनेशन था। एक्सप्लेनेशन थ्री था मैटर इन इशू। जो मैटर इन इशू है इसमें दो बातें हैं कि मैटर इन इशू डायरेक्टली और सब्सटेंसली, एक तो वो डायरेक्टली सेम है या सब्सटेंसली सेम है, मतलब थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी अगर तुम उसे केस फाइल करना चाहते हो तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू,
दोनों ही तरीके से, ठीक है। चौथा है एक्सप्लेनेशन फोर, ये हम लोग को डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, ये कभी कभार शॉर्ट में पूछ दिया जाता है, क्या कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटर, कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटर। ये कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटर क्या होता है कि जो आप मैटर इन इशू जो था, ठीक है, जो आप इशू पहले जो केस फाइल हुआ था उसमें रेस कर सकते थे, वो आपने उस समय नहीं किए, ठीक है। मान लो अभी उसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे तब समझा देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फोर ये बोलता है कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटर क्या है, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन फाइव है, एक्सप्लेनेशन फाइव बोलता है कि अगर डिक्री जो है, एक्सप्लेनेशन फाइव बोलता है कि रिलीफ नेदर ग्रांटेड और नॉर रिफ्यूज्ड, कि अगर कोर्ट ने आपने उसमें कोई मान लो जजमेंट जो आया उसमें आपने कोई रिलीफ मांगी थी, तो उस रिलीफ में ना ही कोर्ट ने ग्रांट किया है ना ही रिफ्यूज किया है, तो एक्सप्लेनेशन फाइव ये बोलता है कि डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा। ये माना जाएगा अगर कोर्ट ने कुछ नहीं बोला उस रिलीफ के बारे में, तो ये मान के चलो कि वो आपको ग्रांट नहीं हुई है, डीम्ड रिफ्यूजल, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन फाइव की हेडिंग डाल लीजिएगा रिलीफ नेदर ग्रांटेड नॉर रिफ्यूज, तो उसमें डीम्ड रिफ्यूजल ये मान लिया जाएगा कि रिफ्यूज कर दी गई। एक्सप्लेनेशन सिक्स ये बोलता है रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग, एक्सप्लेनेशन सिक्स क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग है कि अगर पहले तो इन दोनों के बीच में केस था, अब इनके रिप्रेजेंटेटिव केस फाइल करने चाहते हैं तो भी रेजुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग में रेजुडिकेटा अप्लाई होगा। ये कौन सा एक्सप्लेनेशन बोलता है, सिक्स, ठीक है। सेवन में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, अगर सेवन क्या बोलता है कि अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है उसमें भी रेजुडिकेटा अप्लाई होगा, ठीक है। आखिरी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन सेवन और एट ये जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है, पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन सेवन ये बोलता है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी रेजुडिकेटा अप्लाई होगा, और आखिरी वाला ये बोलता है कि अगर कोई कोर्ट जिस समय उसने अगर जब केस डिसाइड किया था अगर वो उस समय कॉम्पिटेंट थी, और चाहे फिर वो बाद में कॉम्पिटेंट ना रहे फिर भी ये माना जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। इसमें से अब क्वेश्चन भी आने लगा है, लास्ट वाला जो एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से आता है। अभी लास्ट टाइम बिहार जुडिशरी 2018 में पूछा गया था कि वो कंस्ट्रक्टिव रेजुडिकेटा कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन फोर में दिया हुआ है। अभी बिहार एपीओ में 2020 में ये पूछा गया था कि रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग सेक्शन 11 में कौन से एक्सप्लेनेशन में रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग की बात की गई है, तो आपको मालूम होना चाहिए 6 में दी हुई है, एक्सप्लेनेशन 6 में, ठीक है। तो आपको ये याद करने पड़े क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, और 4 और 6 तो बहुत ज्यादा, एक्सप्लेनेशन 4 एक्सप्लेनेशन 6 फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। और अब जो लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन 8 है उस पर प्रॉब्लम बना के पूछते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है कि वो आपको यही पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख देते हैं, तो ये माना ये फिर ये पूछते हैं कि क्या ये इस पे रेस जुडिकेट अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस पे होगा। पढ़िए एक्सप्लेनेशन 8 पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन 8 बोलता है एन इशू हेयर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय ए कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एन इशू हेयर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय ए कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन ए सब्सिक्वेंट सूट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुडिक्शन वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट ऑर द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, समझे कि नहीं। उससे कोई मतलब नहीं है कि बाद में वो कोर्ट कॉम्पिटेंट रही कि नहीं रही, जब डिसाइड किया था तब वो कॉम्पिटेंट थी तो फिर वो जजमेंट जो है वो माना जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात। चलो ये आपका हुआ रेस जुडिकेटा, और कुछ है इसमें। अब ये है कि रेस जुडिकेटा ये भी ध्यान रखिए कि दोनों पे ही अप्लाई होता है, कि एक तो ये प्लेंटिफ पे भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंडेंट पे ही अप्लाई होगा, ठीक है, दोनों पे ही अप्लाई होगा, समझेंगे नहीं, और इनके रिप्रेजेंटेटिव पे भी अप्लाई होगा, तो ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों ही तरीके से अप्लाई होगा, ठीक है। अगर अगर ए के रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई और केस फाइल कर रहा है तो उस पर भी अप्लाई होगा, या बी की कैपेसिटी में कोई और केस फाइल कर रहा है तो उस पर भी अप्लाई होगा, ए पे भी अप्लाई होगा, बी पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब मान लो जिसके फेवर में जजमेंट आया वही केस फाइल करना चाहता है दोबारा कहीं और, तो भैया तो वहां पर जो केस फाइल कर रहा है वो प्लेंटिव हो जाएगा, और जिसके अगेंस्ट में केस फाइल कर रहा है वो डिफेंडेंट हो जाएगा, तो वो बोल देगा कि माय लॉर्ड ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है इसमें इनके फेवर में, ठीक है, अभी फिर से पता नहीं क्यों केस फाइल कर रहे हैं,
तो ऐसे रुक जाएगा, ठीक है, तो दोनों पे ही अप्लाई होगा। समझ आई बात की नहीं आ रही? आएगी क्यों नहीं। चलो अब पढ़ते हम लोग कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। चलो फिर देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या है। ठीक है, दो बातें तो हम लोग जान गए कि ये क्या होता है, कि एफ्लेशन फोर में दिया हुआ है। ठीक, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा एफ्लेशन फोर में दिया हुआ है सेक्शन 11 के। अब ये होता क्या है एक्चुअली में, क्या ना आप लिखो, अभी सब समझा दूंगा। ठीक है, पहले लिख लो, लिखते लिखते आधा समझ में आ जाएगा और आधा हम समझा ही देंगे आपको। लिखो, हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। पहला पॉइंट, इट इज एन आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकेटा, इट डिफाइन इन एक्सप्रेशन फोर ऑफ सीपीसी, एक्सप्रेशन फोर ऑफ सेक्शन 11। ठीक, दूसरा पॉइंट, इट एम्स एट अवॉइडेंस ऑफ मल्टीपल सूट्स एंड इट बाउंड द पार्टीज टू सबमिट द डिस्प्यूट इन होल। दूसरा पॉइंट क्या लिखा आपने, इट एम्स एट अवॉइडेंस ऑफ मल्टीपल सूट्स एंड इट बाउंड द पार्टीज टू सबमिट द डिस्प्यूट इन होल। तीसरा पॉइंट, एक्सप्लेनेशन फोर ऑफ सेक्शन 11 प्रोवाइड्स दैट, जो एक्सप्लेनेशन फोर जो पूरा लिखा हुआ ना उसको लिख लीजिए, अब इसी को समझा। देखो एक्सप्लेनेशन फोर क्या बोलता है कि एनी मैटर विच माइट और ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस। ठीक है, कोई भी मैटर जो माइट या ऑट टू बी मेड, जो मतलब बनाया जा सकता था या जो उस समय लिया जा सकता था, ठीक है, क्या क्या कैसे ग्राउंड ऑफ डिफेंस या ग्राउंड ऑफ अटैक, तो इन सच फॉर्म अ सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन सच सूट। तो वो ये माना जाएगा कि वो जो है वो उसी सूट में वो जो मैटर था वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू माना जाएगा। कैसे, देखो वैसे तो एक केस है नवाब हुसैन केस, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे ही समझा के देखते हैं आपको। मान लो हमें ए को बी के खिलाफ केस करना था, ठीक है, तो कुछ पॉइंट थे जिन पॉइंट के बेसिस पे मुझे इसे केस करना था। ठीक है, मान लो तीन पॉइंट थे ऐसे जिनके बेसिस पे मैं एक के ऊपर केस फाइल करना चाहता था, लेकिन मेरे जो वकील साहब थे ना वो कुछ ज्यादा ही होशियार थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो तुम इन दो पॉइंट पे ही अभी केस फाइल करो, ठीक, और अगर हम लोग इसमें हार जाते हैं तो फिर बाद में हम लोग ये तीसरे पॉइंट पे फिर से केस फाइल कर देंगे, ठीक, जिससे क्या होगा हमें ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तुम ही तो रह रहे हो मकान में, रहते रहना उस समय तक, ठीक है, कि पहले दो पॉइंट पे केस फाइल करें और जब अगर मान लो तुम हार, अगर हार गए हम लोग तो फिर बाद में फिर से केस फाइल कर देंगे तीसरे पॉइंट पे, है कि नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक बार केस हार गए तो दोबारा तो केस फाइल होगा नहीं, क्योंकि रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। ऐसे हो सकता है अगर तीसरा एक पॉइंट हम लोग छोड़ दें, तो उन्होंने वकील साहब ने इन्होंने एक्सप्लेनेशन फोर नहीं पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। अगर ये पढ़ लेते तो ऐसा काम नहीं करते। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या बोलता है कि अगर आपने फॉर्मर सूट में, अगर फॉर्मर सूट में कोई ऐसा पॉइंट था जो आप ले सकते थे, फॉर्मर सूट में आपने तीनों पॉइंट क्यों नहीं लिए, आप इसे भी ले सकते थे, अगर आपने तब नहीं लिए तो फिर आप बाद में नहीं ले पाओगे, ठीक, क्यों, क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपने उस समय छोड़ दिया तो अब ये छोड़ ही दो, अब इस पे ना तब आपने पहले भी नहीं किया तो आप बाद में भी नहीं कर सकते, ठीक, यही बोलता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। लिखिए, ये लिख लिया आपने एक्सप्रेशन फोर ऑफ सेक्शन 11 तीसरे पॉइंट पे, ये पूरा लिख देना, ठीक। अब केस डालिए, इन नवाब हुसैन केस, इन नवाब हुसैन केस द पेटिशनर नवाब वाज अपॉइंटेड एज ए पुलिस इंस्पेक्टर बाय डीआईजी एंड देयर आफ्टर ही वाज सस्पेंडेड बाय एसपी। क्या हुआ था इस केस में, इस केस में ये हुआ था कि नवाब हुसैन जो था वो एज ए पुलिस इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था किसके द्वारा, डीआईजी द्वारा, बाद में सस्पेंड किया गया था एसपी द्वारा, ठीक। अब क्या हुआ, इसने पहले केस फाइल किया तो केस फाइल करने पे इसने ये बोला कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, मेरी बात सुनी नहीं गई, मुझे राइट टू हेयर नहीं दिया गया, ठीक है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ, मतलब जो बेसिक राइट्स होते हैं केस के वो हमें नहीं दिए गए। क्या हुआ कि मुझे राइट टू हेयर, मुझे सुना ही नहीं गया, मुझे ऐसे ही हटा दिया गया, ठीक। उसमें कोर्ट ने फिर देखा, कोर्ट ने कहा नहीं तुम्हें
पूरे हेयरिंग की पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा सस्पेंशन सही है, ठीक। ये बाद में फिर से केस फाइल कर रहे हैं कि नहीं, मेरा पॉइंट ये है दूसरा कि मुझे हायर ऑफिसर द्वारा अपॉइंट किया गया और लोअर ऑफिसर द्वारा सस्पेंड किया गया। तो कोर्ट ने कहा, अरे बुड़बक, तुम पहले क्यों नहीं ये बात तुम बोले, ये तुम्हें पहले भी तो बोलना चाहिए था, अब तुम पहले भी तो बोल सकते थे, अब तुमने उस समय ये पॉइंट नहीं रेस किया तो अब तो तुम कर नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। जो इशू आप, जो पॉइंट आपके पास थे जो पहले भी ले सकते थे, तो आपको सारे पॉइंट एक साथ लेने होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा केस सबमिट करना होता है एज ए होल, समझे नहीं। ये नहीं कि कुछ रख के बाद के लिए कुछ रख लिया, अगर बाद के लिए कुछ रख लिया तो वो बेकार ही हो जाएगा, वो दोबारा केस फाइल नहीं कर पाओगे। तो कोर्ट ने कहा कि आप उसी समय जब आपने ये बोला था कि आपको रिन्यूएबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उसी समय आपको ये पॉइंट उठाना चाहिए था कि दूसरा पॉइंट हमारा ये भी है माय लॉर्ड कि मुझे सीनियर द्वारा अपॉइंट किया गया और जूनियर द्वारा, मतलब डीआईजी द्वारा अपॉइंट किया गया, एसपी द्वारा सस्पेंड किया गया। तो कोर्ट ने कहा नहीं भैया, आप दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। लिख लो कहां तक लिख लिया था, सस्पेंडेड बाय एसपी इन फर्स्ट रिट पिटीशन नवाब आर्गूड दैट ही वाज डिसमिस्ड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। द कोर्ट फाउंड दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू हियर, सो द केस इज डिसमिस्ड। देयर आफ्टर इन द सेकेंड रिट पिटीशन He argued that he was dismissed by the inferior officer, so it is violation of law. ये चेक करके बताइएगा किसी को, और मालूम हो कि आर्टिकल 310 या 311, हाँ 310 या 311 में ये बात दी हुई है कि अगर कोई भी ऑफिसर अपॉइंट किया गया हायर ऑफिसर द्वारा, जो मतलब कोई भी ऑफिसर सस्पेंड किया जा सकता है या तो उसी द्वारा जिसने उसे अपॉइंट किया गया हो या उससे हायर रैंक द्वारा, ठीक है। बताइएगा किसमें दिया हुआ, आर्टिकल 310 में दिया हुआ, 311 में दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक, कि कोई भी ऑफिसर है वो किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, या तो जिसने अपॉइंट किया है उसी के द्वारा या उससे हायर ऑफिसर द्वारा, ठीक है, ठीक। चलो देयर आफ्टर कहा तो हुआ वॉयलेशन ऑफ लॉ, द कोर्ट डिसमिस द सेकेंड रिट पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, ठीक। चलो इतना बहुत है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा हमेशा बहुत ही कम में आता है, मतलब शॉर्ट ऑर्डर में पूछ दिया जाता है, ठीक, या उसी के साथ जोड़ के कि डिफाइंड रेस जुडिकेटा, उसी के आगे एक और जोड़ दिया कि ऑल्सो डिफाइंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, ठीक है, वाट इज द रेलिवेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, कुछ भी जोड़ सकते हैं उसके साथ, तो ये ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अब जो है एक टर्म और होता है एस्टॉपल, ठीक है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 115 में दिया हुआ है, ठीक, क्या है, हम लोगों ने भी पढ़ा रेस जुडिकेटा, हम लोगों ने थोड़ा सा भी देखा समझा कि रेस सब जुडाइस क्या होता है, ठीक, एक और इसी से मिलता जुलता टर्म होता है एस्टॉपल, जो इंडियन एविडेंस एक्ट में इस्तेमाल होता है, सेक्शन 115 क्या होता है भाई, एस्टॉपल भी क्या होता है ना, पार्टीज को अगर कोई, एस्टॉपल क्या होता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज अप्लाई होता है ये बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ, या ये कोर्ट द्वारा होता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन आते हैं इसलिए, और ये बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होता है। एक्ट ऑफ पार्टीज का एस्टॉपल ये बोलता है कि अगर आपने पहले कुछ कहा, ठीक है, पहले मैंने बोला कि मैं इस मकान का मालिक हूं, अब मैं ये आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है, अब अगर मैंने ये बात एक बार बोल दी अगर, ठीक है, दूसरी पार्टी से, तो मैं अब इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, मैं बाद में ये नहीं बोल सकता नहीं मैं तो इसका ओनर नहीं हूं, हकीकत में मैं इसका ओनर नहीं हूं, वो तो मेरे पापा हैं, ठीक है, तो अब आप डिनाई नहीं कर सकते। मान लो इसमें क्या होता है, जैसे थोड़ा डिटेल समझाते हैं, अगर टीपीए के वीडियो देखे हैं तो आप, मैंने स्टॉपल उसमें समझाया था, ठीक है, क्या है, मान लो एक ये हाउस था जो कि मेरे पापा का है, ठीक है, इसमें रहता था मैं रहता था इसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मकान बेच दिया जाए, ठीक है, कुछ लेना देना तो है नहीं, पिताजी का मकान ही बेच दो, ठीक। अब क्या हुआ, पापा का मकान था, मैं उसमें रहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बेच दिया जाए, तो मैंने एक आदमी से बात किया, क्यों तुम मेरा मकान खरीदना चाहोगे, तो अब वो तो जानता था कि इसमें यही रहता है तो इसी का ही होगा ऑब्वियसली, मैंने इसे ये
बेच दिया, ठीक है। अब ये बाद में पापा ने मेरे ही नाम कर दिया, ठीक, बाद में पापा ने मेरे ही नाम कर दिया ये। अब ये मुझसे बोल रहा है क्योंकि ये तुम मुझे मकान बेच चुके हो, अब ये तुम हमें मुझे हैंड ओवर करो। मैंने कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब मैंने ये मकान बेचने की बात किया, जब मैंने बेचा उस समय मैं ऑनर नहीं था, तो कोर्ट कहेगी नहीं क्योंकि एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। तुमने एक बार कोई बात बोल दी, अब तुम उससे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एस्टॉपल ये होता है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों की बातें इसमें बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो जाता है, वो कोर्ट के एकॉर्ड के हिसाब से हो जाता है, ठीक है। रेस सब्जुडाइज, रेस जुडिकेटा, चलो ऐसा करते हैं, रेस सब्जुडाइज जो है कल छोटा सा एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे या थोड़ी देर बाद, मतलब अलग अलग वीडियो डाल देंगे, ज़्यादा लंबी वीडियोज हो जाते हैं, अपलोडिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, और देखते रहिए, ऐसा मत करिए कि जब सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे तब देखेंगे, अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो मुझे रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर देखते रहेंगे तो रोज आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, समझे नहीं। जो है साथ साथ करते रहेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए भी, समझे कि नहीं। अगर व्यूज व्यूज आने कम हो गए, लोगों को देखना कम हो गया, तो भैया फिर जो है दिक्कत है, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा, मन से पढ़ाऊंगा नहीं, अगर मेरा मन नहीं लगेगा तो मन से पढ़ाऊंगा नहीं, मन से पढ़ाऊंगा नहीं आपको समझ में कैसे आएगा, है कि नहीं। तो देखते रहिए, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। छोटा सा चैनल है अपना, उसको शेयर करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, तब तो कुछ हो पाएगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू।